Hello students, still I have not uploaded any video lecture for the ordinary differential equation. This is one of the most important topic which is included in the WBT syllabus. Except CSE and IT, all of the streams has this topic in their syllabus in the second semester. It is the one of the most important topic and the major topic for all streams. And throughout 8 semester, this topic will help you in your subject. So before we start with the topic, let us start with the primary of the differential equation. In our syllabus, it is included, that is the ordinary differential equation. For your understanding, I am discussing the whole topic in English as well as in Hindi. Now, before we start, first we have to know what is a differential equation. So differential equation hota kya hai? Samajh lo, humare paas ek function hai, y as a function of x. So y ho gaya humara dependent variable aur x ho gaya humara independent variable. To y ko hum log kya kar sakte hai? X ke respect mein uska derivative nikal sakte hai, theek hai? To koi bhi ek equation agar कोई भी एक इक्वेशन जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उसका डेरिवेटिव को कंटेन करके आता है कि डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी प्रेजेंट है तो हम लोग उसको कहेंगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ वी नो दैट इन केस ऑफ द डेरिवेटिव जनरली टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव अपीयर. वन इज नथिंग बट द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव दैट वी हैव डन इन आवर HS सिलेबस दैट इज dy dx. Another derivative we have learned in our first semester BTEC course, that is the partial derivative. So depending on the derivative, we categorize the whole differential equation in two domains. One is the ordinary differential equation, that is OD, and another is the PD. But in our syllabus for this semester, we have to learn about OD. Okay. So pehle hum log discuss kar lete hai ke order or degree of a ordinary differential equation kya hota hai. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम पे. और अगर हम लोग को ये समझ में नहीं आया तो जो दूसरा वाला चैप्टर है या फिर अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तभी जाके हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है. तो डिग्री और ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाइस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव क्या प्रेजेंट है, ठीक है. समझ लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हुआ है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है. और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसका पावर क्या होता है, उसका जो पॉजिटिव इंटीजर पावर होगा वो हो जाएगा डिग्री, ठीक है. तो ऑर्डर और डिग्री के लिए ये सोचना है ऑर्डर और डिग्री कैन नॉट बी एनी फ्रैक्शन. वी आर नॉट डूइंग द फ्रैक्शनल कैलकुलस. सो फॉर योर सिलेबस यू लर्न ऑर्डर एंड डिग्री को क्या होना चाहिए. हर वक्त ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा. फ्रैक्शन में ऑर्डर डिग्री नहीं आता है, ठीक है. तो चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. पहले के समझ लो, पहला ये प्रॉब्लम है डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वाई डी वाई डी एक्स होल टू दी पावर फोर इक्वल टू साइन एक्स. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, टू हो गया. और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर है वन. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन पे चले आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है. ई टू दी पावर टू एक्स डी वाई डी एक्स होल क्यू प्लस वाई डी वाई डी एक्स होल टू दी पावर वन बाई फोर. तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन पे डी वाई डी एक्स का पावर कितना है, dy dx प्रेजेंट है. dy dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है. तो ऑर्डर तो हमारा क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है. अभी डिग्री कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे तो पावर है वन बाई फोर. तो अगर वन बाई फोर यहाँ पे रहेगा तो वन बाई फोर हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले आना है. तो e टू दी पावर टू एक्स डी वाई डी एक्स होल टू दी पावर थ्री प्लस वाई इसका होल टू दी पावर फोर आएगा, ठीक है. होल टू दी पावर फोर अगर हम लोग करेंगे और इसको अगर एक्सप्रेस करेंगे तो एक टर्म आएगा जहाँ पे डी वाई डी एक्स होल क्यूब टू दी पावर फोर आता है तो डी वाई डी एक्स होल टू दी पावर ट्वेल्व आता है. ये एक्चुअली तुम लोगों को करने के लिए मैंने दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिग्री नहीं बताया है. तो इसका डिग्री हो जाएगा ट्वेल्व,
ठीक है। फिर से इस इक्वेशन पे अगर चले आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो ही हाईएस्ट ऑर्डर हो रहा है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो रहा है 2। अभी यहाँ पे 2^3/4 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे 3 को छोड़ देते हैं, होल 2^4 ले लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हाइस्ट पावर कितना रहता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हाइस्ट पावर रहता है 3, तो इसका मतलब डिग्री हो गया 3। तो अभी हम लोग 4 प्रॉब्लम पे चले आते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखते हैं क्या, साइन ऑफ डिवाइड एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। साइन ऑफ डिवाइड एक्स इक्वल्स टू अगर वाई हो रहा है तो हम लोग इसका ऑर्डर डिग्री कैसे निकालें। हम लोग ये कर सकते हैं कि साइन ऑफ डिवाइड एक्स इक्वल्स टू वाई, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग एक्सप्रेशन लेंगे, साइन एक्स का एक्सप्रेशन सभी को शायद मालूम है कि साइन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स टू की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे करके ऑल्टरनेट साइन से ये साइन का सीरीज जाता है। तो साइन ऑफ डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डी वाई डी एक्स होल टू की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जहाँ पे हम लोग दिखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव भी चल रहा है सीरीज पे, लेकिन उसका जो पावर है वो पावर इंक्रीजिंग, मैंने उसका पावर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो डीवाई डी एक्स है, डीवाई डी एक्स का होल क्यूब है, उसके बाद डीवाई डी एक्स होल टू की पावर 5 है, तो हम लोग उसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिग्री यहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर हम लोग चले जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के एक टाइप पे। डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप में हम लोग दोनों सेपरेट टाइप पे सेपरेट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये एक क्लासिफिकेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों के बीच में ये क्लासिफिकेशन का बहुत सारा डिफरेंस रहता है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका चारों क्लासिफिकेशन रहता है, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वाशी लीनियर, नॉन लीनियर। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों ही टाइप आता है, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। तो लीनियर किसको कहेंगे और कैसे समझेंगे कि ये लीनियर है, और किसको कहेंगे ये नॉन लीनियर है। तो लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी ऑफ डिग्री 1। तो जो भी डेरिवेटिव हम लोग ने किया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस डेरिवेटिव का डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कुछ भी ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। दूसरा नोट क्या है, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव। जैसे समझ लो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वाई, और उसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं dy dx, d2y dx टू ऐसे। तो y के साथ dy dx का कोई भी टर्म को प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो y इंटू डी वाई डी एक्स, y इंटू डी टू वाई डी एक्स टू, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स, सच टाइप ऑफ टर्म विल नॉट बी प्रेजेंट इन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा क्या होता है, देयर विल बी नो फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारा टर्म है, वो लीनियर को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड पे एक टर्म हम लोगों ने ले लिया साइन ऑफ वाई और ई टू द पावर वाई। सो वाई है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई का एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं ई टू द पावर वाई, साइन ऑफ वाई, लॉग ऑफ 1+y एक्सेट्रा। सो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी फंक्शन अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा। तो अगर 1, 2, 3 ये तीनों कंडीशन कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, और अगर ये कोई तीनों के अंदर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये तीनों टाइप के अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। तो एग्जाम्पल से हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। समझ लो पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहे हैं कि डी टू आई डी एक्स टू, डी वाई डी एक्स और वाई, ये तीनों हैं यहाँ पे प्रेजेंट। तो डी टू आई डी एक्स टू का पावर कितना है, 1 है, फर्स्ट डिग्री है। डी वाई डी एक्स का भी डिग्री क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। वाई का भी डिग्री क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और एक्स है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स के साथ हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसका कोई बात नहीं है, लेकिन वाई के साथ डी वाई डी एक्स का प्रोडक्ट है यहाँ पे नहीं है, वाई का कोई भी फंक्शन है यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। सिमिलरली दूसरा भी क्या हो रहा है, लीनियर ही हो रहा है। अभी तीसरे पे चले जाते हैं, तीसरे पे देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स के साथ वाई को मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है, तो डी वाई डी एक्स के साथ अगर वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया, नॉन लीनियर टर्म हो गया, ठीक है ना।
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से हम अगर हम लोग यहाँ पे चले आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों डेरिवेटिव है, दोनों डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और लास्ट में चले आते हैं dy dx इक्वल्स टू साइन ऑफ y, dy dx इसका पावर है 1, फर्स्ट ऑर्डर है, कोई बात, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राइट हैंड साइड पे देखो साइन ऑफ वाई है, तो वाई है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई का फंक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन वाई का फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, ऐसे करके प्रॉब्लम एग्जाम पे दिया हुआ रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि हम लोग को पॉइंट आउट करना है वो कौन सा लीनियर होता है और कौन सा नॉन लीनियर होता है। तो पहले से अच्छे से पढ़ लो वो तीनों पॉइंट, और तीनों पॉइंट को याद में कर लो कि हम लोगों को कैसे कैटेगराइज करना है। ओके, नाउ वी गो टू द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरली वी डिवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन थ्री कैटेगरी। फर्स्ट वन इज नथिंग बट द कंप्लीट प्रिमिटिव और नथिंग बट ए जनरल सॉल्यूशन। द सेकंड वन इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। ये तीनों सॉल्यूशन को हम लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। So first one is nothing but the general and complete primitive or complete solution. So complete solution or general solution क्या कहते हैं, समझ लो हमारे पास एक ordinary differential equation है, ordinary differential equation को हम लोग solve करेंगे। तो ordinary differential equation को solve करके हम लोग को क्या चाहिए, y का value चाहिए, y का value in terms of x आएगा। तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ कुछ सॉल्व करके आ चुके हैं एचएस पे, तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो वो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। तो ये एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन किसको कहेंगे और किसको देख के हम लोग को पता चल जाएगा ये जनरल सॉल्यूशन है। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना होगा that will be equal to the number of arbitrary constant in the solution. के समझ लो हमारे पास एक second order का differential equation है। ठीक है, तो second order का मतलब order हो गया 2। एक solution के अंदर अगर 2 arbitrary constant आ रहा है, के C1 C2 आ रहा है या फिर A B आ रहा है, तो इसका मतलब ये solution क्या rely कर रहा है, ये solution हम लोग को general solution दे रहा है। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो व्हाट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन ODE, बट इट इज सेड टू बी पर्टिकुलर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दैट इज जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है, C1 C2 C3 करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है। तो जनरल सॉल्यूशन के कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं कि बाउंड्री कंडीशन से पुट कर सकते हैं या फिर इनिशियल कंडीशन से पुट कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उसका वैल्यू हम लोग को पता चल जाता है, वो नोन कांस्टेंट हो जाता है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहता है वहाँ पे, नोन कांस्टेंट आ जाता है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर केस है जनरल सॉल्यूशन का। ठीक है, अभी आ जाते हैं तीसरा सॉल्यूशन, वो है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है। कैसा स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से आता ही नहीं है, ये सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं रहता है। तो जनरल सॉल्यूशन से भी नहीं आया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर में। ओके, सो लेट अस थिंक अबाउट व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस सॉल्यूशंस। सो व्हेन एवर वी सॉल्व एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इट गिव्स अस ए फैमिली ऑफ कर्व्स। The general solution gives us a family of curves. So here we have to say I am taking a figure, that is our x-axis and y-axis. And suppose you have a solution, that is a general solution, जहाँ पे C1, C2, C3 ऐसे करके arbitrary constant present है, तो एक एक वैल्यू कांस्टेंट के एक एक वैल्यू के लिए हम लोगों को एक एक कर्व मिल रहा है। तो वी हैव ए फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर द जनरल सॉल्यूशन। अगर इस कर्व में से हम लोग अगर कोई स्पेसिफिक कर्व को चूज कर लेते हैं
तो वो हो जाता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो नॉन कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड होगा, वो जनरल सॉल्यूशन से ही आ रहा है। और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन है एक तरह का सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन से आता नहीं है, ये सॉल्यूशन के अंदर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी नहीं रहता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है जो क्या कर रहा है, जनरल सॉल्यूशन में जो फैमिली ऑफ कर्व हम लोगों को मिला हुआ है वो फैमिली ऑफ कर्व को सिंगुलर सॉल्यूशन टच करता है। सो दैट इज अ सॉल्यूशन व्हिच टचेस ऑल द फैमिली ऑफ कर्व ऑफ ए जनरल सॉल्यूशन इज नथिंग बट ए सिंगुलर सॉल्यूशन। वी विल डिस्कस अबाउट दिस सिंगुलर सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर एन एग्जाम्पल। So here the problem is that we have to find a differential equation from a curve y equal to e to the power x a cos x plus b sin x। तो problem को देख के हम लोगों को पता चल जाता है कि जो differential equation हम लोग यहाँ से मेक करेंगे उसका ऑर्डर कितने का होगा, क्योंकि मैंने क्लियरली तुम लोगों को कहा है कि अगर कोई कर्व के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितना होगा उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ए बी दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इससे प्रोड्यूस करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डेरिवेटिव निकालते हैं u इंटू वी रूल से। तो u इंटू वी रूल से डेरिवेटिव आ गया ये हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये जो टर्म है वो टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, वो टर्म रिपीट हो रहा है, एक ही टर्म आ रहा है, ठीक है। तो ये टर्म तो हमारा y है, तो ये हो गया डिवाइड x इक्वल टू y प्लस e टू दी पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, ये वाला टर्म यहाँ पे रह जाता है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करेंगे हम लोगों को क्या करना है, ए और बी दोनों कांस्टेंट को यहाँ से भगाना है। वी हैव टू रिमूव दिस कांस्टेंट ए एंड बी एंड वी हैव टू मेक ए रिलेशन बिटवीन वाई एक्स एंड डी वाई डी एक्स। ओके, सो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी हैव टू गो फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो सिंपली वी आर टेकिंग डी टू आई डी एक्स टू एंड दैट इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, अगेन वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म बाय यू इंटू वी रूल। सो इफ आफ्टर टेकिंग यू इंटू v rule this term is again repeating and plus e to the power x minus a cos x minus b sin x, it will be the term. Now we can see that from here we can put the value from here to this value. Okay, so e to the power x minus a sin x plus b cos x is equals to what, dy dx minus y. So we are simply substituting this value here, dy dx minus y, and if you take common minus from this side it will be automatically our y, because e to the power x a cos x plus b sin x, that is equals to our y. So we have the differential equation like this. So here we can see no a and b are present, so it is a relation between y derivative, so it is the differential equation, required differential equation. So that is the technique. तो अगर तुम्हारे पास कोई भी कर्व का इक्वेशन है और वहाँ से हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रोड्यूस करना है, तो पहले हम लोग को दिमाग पे ये लाना है कि कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहाँ पे है। जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट को भगाना है और वो डेरिवेटिव वाई और एक्स के बीच में एक रिलेशन लाना है। जैसा जैसे भी करके वो रिलेशन ले आओ, और वही रिलेशन क्या होगा, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो सेकेंड प्रॉब्लम पे भी देखो ऐसा ही एक प्रॉब्लम है, वाई इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे भी दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हम लोग को दोनों डेरिवेटिव करना ही करना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद हम लोग को सॉल्यूशन ये आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी चले आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। सो द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली एक्सप्रेस एज dy dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, सो फंक्शन ऑफ x एंड y कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज m ऑफ xy बाई n ऑफ xy। समझ लो फंक्शन ऑफ xy को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कि दूसरा दोनों फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे हम लोग ले लेते हैं कि m एक फंक्शन है जो xy का फंक्शन है, डिवाइडेड बाई n एक फंक्शन है जो xy का फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ xy को हम लोग ब्रेक करते हैं m फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को एक रिलेशन मिलेगा। कैसा रिलेशन मिलेगा कि एम फंक्शन ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड विद डी एक्स प्लस एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड विद डी वाई दैट विल बी इक्वल टू जीरो।
सो ये जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे लाए हैं, इस रिलेशन को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डीवाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब जो होता है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, वही सेम मतलब होता है, ठीक है। तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट कब कहेंगे, व्हेन वी से इट इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, we can say that dy dx equals to f of xy, it is an exact differential equation if we can express m function of xy dx plus n function of xy dy can be put in the form of some differential, that is d of u. If we can express it is a total differential form, then we can say that it is an exact differential equation. तो हम लोगों को क्या करना है, कोई भी एक differential equation है first order first degree का, तो उसको हम लोगों को d of something ऐसा फॉर्म में लाना है। तो अगर उसको हम लोग ऐसे फॉर्म में ला सकते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो रहा है, एग्जैक्ट हो रहा है। और अगर वो उस फॉर्म में नहीं जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये एग्जैक्ट नहीं है। तो समझ लो एक एग्जांपल से, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। सो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू अगर जीरो लिखेंगे तो तुम सभी को पता है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स इंटू वाई, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, डी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर डी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से एक्स वाई आ जाएगा, राइट हैंड साइड से सी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में था और उसको हम लोग डी ऑफ समथिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट रहता है तो उसको हम लोग आसान से इजीली वी कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सिंपली टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट सिंस इट इज ए टॉपिक ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सो ऑलवेज द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एग्जैक्टली वन, दैट इज एग्जैक्टली वन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट विल अपियर इन द जनरल सोल्यूशन। टू थ्री ऐसा कोई भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आएगा सी वन सी टू सी थ्री वो एक ही आएगा, सी वन ही आएगा या फिर सी टू आएगा, ए बी सी डी कोई भी एक तुम पकड़ लो, जैसे तुम डिनोट करना चाहते हो वैसे डिनोट करो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट को, लेकिन एक ही आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हम लोगों को सोल्यूशन के अंदर लिखना है। तो अब अगर सोचो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे पास है तो पहले तुम लोगों को क्या करना है, एग्जैक्ट चेक करने के लिए उसको डी ऑफ समथिंग फॉर्म में लाना है। लेकिन डी ऑफ समथिंग ये जो फॉर्म में हम लोग ला रहे हैं वो बहुत आसान सा तरीका नहीं है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस वेरी इजीली एनी फंक्शन एज ए टर्म ऑफ डी ऑफ समथिंग। तो कैसे चेक करेंगे, उसका एक टेक्निक होता है। कैसा टेक्निक होता है, एक नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है, इसको अगर याद कर सकते हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दिमाग में पूरा तरीके से बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा, समझ लो एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये कब एग्जैक्ट होगा, अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, क्या कौन सा रिलेशन, डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स। सो वी आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम with respect to y and partial derivative of n with respect to x. If these two quantity are equal, then we can say that the given differential equation is an exact differential equation. So partial derivative हम लोगों को मालूम है कैसे करना है, अगर m का derivative करेंगे y के respect में तो x हो जाएगा constant, n का derivative करेंगे x के respect में तो y हो जाएगा कांस्टेंट। याद कैसे रखना है, किसको y से डेरिवेटिव करे और किसको x से डेरिवेटिव करे, m x y dx, m dx के साथ आ रहा है तो m को हम लोगों को क्या करना है, y के रिस्पेक्ट पे करना है, जो dx के साथ रहेगा उसको y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट पार्शियल डेरिवेटिव करना है और जो y के साथ रहेगा उसको हम लोगों को x के रिस्पेक्ट पे पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है। तो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया तो हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, ये हमारा है सेकंड टेक्निक, सेकंड क्वेश्चन। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एम किसके साथ आ रहा है, डीएक्स के साथ आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जैसे कर सकते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो y हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो m फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, n फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y।
दोनों को इंटीग्रेट करना है। एक ही तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बुक पे दूसरा एक तरीका भी है जो कह रहा है कि एन को पार्शियल डेरिवेटिव करो टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं उस टेक्निक में नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को एक जनरल प्रोसेस सिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसको समझ लो कि m को डेरिवेटिव कर लो x के रिस्पेक्ट में, n को भी डेरिवेटिव कर लो y के रिस्पेक्ट में। अभी जो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जब हम लोग ये दोनों इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो देखना कि कोई ना कोई टर्म रिपीट होगा, कोई ना कोई टर्म रिपीट होगा। जो टर्म रिपीट हो रहा है उसको एक बार ही लिखना है, जितना टाइम रिपीट हो रहा है उतना टाइम उसको नहीं लिखना है। कि समझ लो कोई एक टर्म है एक्स वाई, वो दो बार रिपीट हो रहा है, तो एक्स वाई को दोनों बार नहीं लिखना है। जो जनरल सॉल्यूशन होगा वहाँ पे एक्स वाई को एक ही बार हम लोग को लिखना है। समझ लो यहाँ पे मेरा बात कि एम एक्स वाई, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि एम एक्स वाई डी एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आता है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी वन, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। एन एक्स वाई डी वाई को इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे टर्म आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सी टू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों टर्म क्या है, कॉमन टर्म है। तो जनरल सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन में ये दोनों को मिला के एक ही टर्म हम लोग लिखेंगे कि एक्स वाई स्क्वायर, और वाई इंडिविजुअल टर्म आ रहा है तो वाई को तो लिखना ही है, एक्स क्यूब इंडिविजुअल टर्म है एक्स क्यूब को लिखना ही है, और दोनों जो कॉन्स्टेंट था सी वन सी टू ये दोनों को कॉन्स्टेंट को मिला के एक ही कॉन्स्टेंट आएगा। क्यों एक कॉन्स्टेंट आएगा, क्यूब के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, वन है, तो एक ही कॉन्स्टेंट जनरल सॉल्यूशन में आता है। देयरफॉर वी विल राइट डाउन द जनरल सॉल्यूशन एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू सी। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द एग्जाम्पल, इट इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। वट वी हैव टू शो दैट वी हैव टू एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सो हाउ वी विल फाइंड आउट, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं m फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई से। सो अगर तुम लोग इसको m डी एक्स प्लस n डी वाई से कंपेयर करोगे तो तुम लोगों को क्या पता चलेगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि m हो रहा है हमारा e टू दी पावर x साइन y और n क्या हो रहा है e टू दी पावर x प्लस वन कॉस y। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लिए m इक्वल्स टू दिस n इक्वल टू दिस। अभी हम लोग को क्या करना है, m को पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो e टू दी पावर x तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है cos y। n को डेरिवेटिव करना है पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो cos y फिक्स्ड हो गया, e टू दी पावर x प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा e टू दी पावर x होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेल m डेल y एंड डेल n डेल x बोथ आर इक्वल, सो व्हेन एवर बोथ आर इक्वल वी कैन डायरेक्टली डिक्लेयर दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। Now we go to find out the solution. How we will find out the solution? Simply, we have to take the integration of m with respect to dx, then considering y as constant, and n with respect to dy, considering x as constant. So m dx जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे e to the power x sin y का integration करना है partially किसके respect में, x के respect में, तो y क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो साइन वाई रहेगा e टू दी पावर एक्स का, तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स ही होता है और सी वन है हमारा आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। सो एन डी वाई, एन को इंटीग्रेशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर एक्स प्लस वन कॉस वाई है हमारे पास, तो कॉस वाई को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन वाई आएगा, e टू दी पावर एक्स प्लस वन तो कॉन्स्टेंट ही रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या हमको पता चलता है कि e टू दी पावर एक्स साइन वाई यहाँ पे भी है, e टू दी पावर एक्स साइन वाई यहाँ पे भी है, तो e टू दी पावर एक्स साइन वाई एक कॉमन टर्म आ रहा है। ठीक है, तो e टू दी पावर एक्स साइन वाई को कितने टाइम लेना है, एक ही टाइम लेना है, और कौन सा टर्म आ रहा है, और एक टर्म आ रहा है प्लस वन इंटू साइन वाई दैट इज साइन वाई। सो व्हाट विल बी आवर जनरल सॉल्यूशन, e टू दी पावर एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल टू सी। मैंने पहले भी किया हुआ है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना आना चाहिए, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितने का है, ऑर्डर वन है। सिमिलरली आई हैव डन द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम हियर, now try to solve this problem yourself and compare with the result. Okay, now lastly I want to say that all of you please stay safe at your home, do not go outside for unnecessary needs, okay, because we are in a serious trouble, so prepare yourself, stay within your home,
स्टे विथ योर पेरेंट्स, स्टे विथ योर फैमिली मेम्बर्स, टेक केयर ऑल ऑफ देम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ बाई टेकिंग आवर सेल्फ विद इन सेफ एट आवर होम. ओके, हैव ए गुड डे.